ओम गणेशाय नमः। जय माता दी। भक्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल शिवांग बेटा म्यूजिक्स में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, हम नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों अर्थात 9 देवियों की पूजा उपासना करते हैं। आइए आज हम इस वीडियो में माँ दुर्गा के 8वें रूप माँ महागौरी के बारे में चर्चा करते हैं। भक्तों, हमारे इस YouTube चैनल शिवांग बेटा म्यूजिक्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कंद के फूल सी दी गई है। अष्ट वर्षा भवद गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए इन देवी को श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए ये वृषारूढ़ा भी कहलाई। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए महागौरी जी ने कठिन तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये देवी महागौरी कहलाई। ये देवी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों को तमाम कलमश धूल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना बहुत कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जयकारा महानवरात्रों वाली का, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी।